बच्चों की मां ने मीडिया के सामने कहा कि बिना किसी बात के मेरे बच्चों के नाम डीपीएस स्कूल की प्रधानाचार्य ने काट दिए। बच्चों की मां ने जब डीपीएस स्कूल के चेयरमैन विवेक यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके से न बात करके मुझको ही धमकाया जा रहा है। फिर बच्चों की मां ने टावा कचहरी परिसर में आकर अधिकारियों को एप्लीकेशन दी और कहा मुझको न्याय मिलना चाहिए। लगातार पीड़ित मां दर दर की ठोकरें खाती नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि डीपीएस स्कूल के चेयरमैन विवेक यादव पर कि जिस तरीके से बच्चों के नाम काटे गए अपमान है। जब डीपीएस स्कूल के चेयरमैन विवेक यादव से बात की तो उल्टा ही मां को धमकाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि बच्चों का भविष्य बनाने वाले प्रधानाचार्य शिक्षक ही आप इस तरीके की बात करेंगे तो फिर क्या होगा। बच्चों की मां ने मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। क्या नाम है आपका? आज आप कचहरी परिसर में आई हैं, क्या मामला है आपका? हमारा सर डीपीएस स्कूल का बेटा है, बहुत जा रही हूँ, भग वक्त परेशान है, पूरी साल से भग रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। प्रधानाचार्य ने फोन भी उठाया तो बोल दिया जहाँ जाना हो वहाँ आप जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रिंसिपल मैम ने बोल दिया है, भावना सिंह ने, कि आप कहीं भी पढ़ाइए, अपने स्कूल बच्चों को आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। पूरी साल से भग रहे सर, हर जगह एप्लीकेशन दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम बहुत परेशान हैं। क्या कारण रहा है बच्चों के नाम क्यों काटे हैं? हमारे नाम बच्चों को इसलिए काटे सर, कोविड का टाइम था तो हम लोगों को पांच बार छः बार कोविड हुआ तो हम लोग सर अपनी जान बचाना हम लोगों को मुश्किल पड़ गया था, इसलिए हम लोग नहीं मतलब स्कूल में कॉन्टैक्ट कर पाए, इसलिए इन्होंने नाम काट दिए। बच्चे हमारे प्रमोट भी नहीं किए जा रहे हैं, उसके बाद सर हमसे ये बोल रहे हैं प्रमोट नहीं कर रहे चलो, लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप कहीं भी जाइए हम आपके बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे, ना स्कूल में पढ़ाएंगे, और प्लस रिव्यू एडमिशन कराइए, उसके बाद नई फीस दीजिए, उसके बाद हम एडमिशन करेंगे और हम नहीं करेंगे। इस मामले को लेकर आप किसी अधिकारी से मिले? पूर्व मुख्यमंत्री को भी एप्लीकेशन भेजो, मतलब मुख्यमंत्री को भी एप्लीकेशन भेजा है मैंने, शिक्षा मंत्री को भी एप्लीकेशन भेजा, हर जगह सर एप्लीकेशन भेजा, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना मुझे कोई न्याय मिल रहा, भग भग के मैं परेशान हूँ, मैं पूरी साल से भग। इटावा DM श्रुति सिंह जी से मिली आप? नहीं मिली, नहीं सर, मैडम को एप्लीकेशन दी है, उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमारे बच्चों को एडमिशन DPS में, हमारे बच्चों का एडमिशन हमें दिलाया जाए।